राजस्थान के बीकानेर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ रिडमलसर गांव में आपसी विवाद में गुस्साई महिला ने क्रिकेट बल्ले से अपने पति की जमकर पिटाई की और तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि पति लहूलुहान नहीं हो गया। इस दौरान आसपास मौजूद लोगों ने इसका वीडियो भी बना लिया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक बीकानेर के रिडमलसर गांव निवासी पति अमीन और उसकी पत्नी का आपसी विवाद चल रहा था। इसके चलते गुस्साई पत्नी ने कल देर रात अपने पति पर क्रिकेट के बल्ले से ताबड़तोड़ जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में अमीन का सिर फट गया जिस पर एक दर्जन से ज्यादा टांके लगे हैं। वहीं पति द्वारा चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर मौके पर परिजन और पड़ोसी पहुंचे, जिसके बाद मौके पर मौजूद परिजनों ने महिला से उसके पति को छुड़वाया। महिला को लेकर दोनों पक्षों की ओर से GNVC थाना में क्रॉस मुकदमा दर्ज करवाया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। तो वहीं दूसरी ओर घायल युवक के परिजन SP कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान युवक के परिजनों ने GNVC थाना पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। युवक के भाई का कहना है कि अमीन पेंट का काम करता है, जिसे उसकी बीवी ने बेवजह ही बल्ले से पीट कर अधबरा कर दिया। वहीं महिला ने अपने पति पर आए दिन मारपीट करने के भी आरोप लगाए हैं। बहरहाल मामले में पुलिस जांच कर रही है। देखना होगा कि जांच के बाद पुलिस मामले में क्या कार्रवाई करती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बीकानेर से आनंद आचार्य की रिपोर्ट।